प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब बढ़ने लगी है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमीरपुर जिले के सुमेरपुर नगर पंचायत से चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार और समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप शुक्ला। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मैं जब 18 वर्ष की उम्र थी, माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी 1989 में क्रांति रथ लेकर के जब हमीरपुर जनपद में आए थे, उस समय मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके साथ उनके विचारों से मैं इतना ओतप्रोत हुआ कि तब से लेकर के मैं आज तक सिर्फ नेताजी के साथ राजनीति करता आया हूं। नेताजी ने 89 के बाद में साजापा बनाई, 91 में मैं नेताजी के साथ उसमें भी रहा और 92 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया, एक दल अपना बनाया, उसमें मैं नेताजी के साथ जो मुझसे संभव हो सका अपना प्रयास पार्टी के लिए करता चला रहा। हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? मेरे सद्धे मुलायम सिंह यादव जी ही मेरे मार्गदर्शक थे और उन्हीं के विचारों, उन्हीं की विचारधारा से मैं प्रेरित होकर के समाजवादी पार्टी की राजनीति करता रहा। आपकी राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई? मैडम, राजनीतिक सफर में चुनौतियां तो आती ही रहती हैं। देखिए, अयोध्या वाला मुद्दा उठा, उसमें समाज में हम लोगों को काफी जलील किया गया, काफी बुरा भला कहा गया, लेकिन अंत में जो सच होता है उसको लोग स्वीकार करते हैं और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से पुनः सत्ता पर आएगी, ये निश्चित है। 1989 में कार सेवा पे जो हुआ था उसको लेकर के समाज में समाजवादी पार्टी के प्रति असंतोष आया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि माननीय नेताजी ने जो किया था वो एक संवैधानिक पद पे रहते हुए जो जिम्मेदारी का निर्वाह उनको करना चाहिए था वो उन्होंने निर्वाह किया था और इस सच को प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री इस प्रदेश का बनाया। कुलदीप जी, आप समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे हैं, कैसा अनुभव रहा आपका? मेरा अनुभव समाजवादी पार्टी के प्रति जो था बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित के उत्थान के लिए कार्य करती है, गरीबों के लिए काम करती है, किसानों के हित के लिए काम करती है और विकास की राजनीति करती है। द्वेष भावना की राजनीति से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी किसी तरह को भी राजनीति नहीं करती है। सुमेरपुर नगर पंचायत में आप चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं नगर पंचायत के? नगर पंचायत की समस्याएं इतनी विकराल हैं यहाँ पर कि नया परसीमन आया, पिछले वर्ष इसका सीमा विस्तार हुआ नगर का, सीमा विस्तार होने के बाद जो नगर का स्वरूप था वो बदल गया, काफी दूर दूर तक सुमेरपुर की सीमाएं बढ़ गई और उस सीमा पर रहने वाले लोग आज नर्क की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके यहाँ पर ना नाली है, ना नल है, ना खरंजा है, पानी की मूलभूत समस्याएं हैं, अगर बारिश जरा सी हो जाती है तो वो लोग कैदियों की जिंदगी व्यतीत करते हैं। गड्ढों में पानी भरता है, सड़कों में पानी भरता है, कीचड़ होता है, बरसात के दिनों में सांप बिच्छू इनका भी डर लोगों को सताता रहता है। साथ ही साथ ऐसी भी घटनाएं हुई हैं कि यहाँ पर रहने वाले उन दूर दराज इलाकों पे लोगों को सांप ने काटा, कुछ लोग तो बच गए ईश्वर की कृपा से और कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली रहे कि अपनों का साथ छोड़कर भी चले गए। तो इन समस्याओं से ये नगर बुरी तरह से जूझ रहा है और पिछले 5 वर्ष में इस नगर में विकास के नाम पर शिफर ही मिला है। यहाँ की आज जनता तबाह है और हर जनता यहाँ बदलाव चाहती है। जनता के बीच आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? विकास, ग्रीन सुमेरपुर, क्लीन सुमेरपुर, सुमेरपुर एक स्वच्छ नगर बने,
एक आदर्श नगर बने, जनपद ही नहीं प्रदेश के अंदर एक मिसाल बने, मैं ऐसे सुमेरपुर निर्माण के लिए प्रयासरत हूं। आपको जनता का नेता कहा जाता है, इसका क्या कारण है? जनता का नेता इसलिए कहा जाता है कि मैं कभी भी जाति धर्म की राजनीति पर विश्वास नहीं करता। मैं व्यक्ति के साथ रहता हूं और व्यक्ति के साथ उन लोगों के साथ जो हमारी विचारधारा से प्रेरित हैं। हम अपनी समाज में या पूरे कस्बे के अंदर समाजवादी विचारधारा के साथ लोगों के बीच जाते हैं और उस विचारधारा को लोग स्वीकार कर रहे हैं, आने वाला वक्त इस चीज का प्रमाण होगा। जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए सबसे पहले तो समस्या है यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पर पार्क है, इतना बड़ा कस्बा है, 40-42 हज़ार की आबादी है, एक भी पार्क अच्छा नहीं है। यहाँ पर तपोभूमि में एक गायत्री गंगा के नाम से एक नाला है, उस नाले पर मेरा तटबंध बनाना मेरा स्वप्न है। जैसे कि हमीरपुर जनपद में जिला मुख्यालय में यमुना के किनारे तटबंध बनाया गया है, ऐसा ही एक सुमेरपुर में तटबंध मैं बनाना चाहता हूं, जो दोनों तरफ हरियाली से ओतप्रोत हो, नगर के लोग सुबह शाम वहां मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, जिससे स्वास्थ्य की भी लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही नगर में नाली खरंजा जैसी मूलभूत सुविधाओं से मैं इस नगर की जनता को आजाद कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस नगर की हर गली इतनी साफ हो कि लोग एक मिसाल के रूप में इसको देखें। जी, आप चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, आपके कंपटीशन में कौन है? कंपटीशन में तो हैं कई लोग, हैं 3-4 लोग हैं जी। और राजनीति में प्रतिद्वंदिता एक स्वस्थ राजनीति की को प्रेरित करती है। मैं ऐसा मानता हूं कि प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए। अगर एक तरफा कोई अगर कोई टिकट के लिए दावेदारी करता है तो कहीं ना कहीं ये महसूस होता है देश में, प्रदेश में और नगर में कि इस दल के साथ लोग नहीं हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दल से टिकट मांगने वाले 1 दर्जन लोग हैं और जिसको भी नेताजी आशीर्वाद देंगे, जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी आशीर्वाद देंगे, हम सब पूरी ताकत के साथ तन मन धन के साथ उसको जितवाने का प्रयास करेंगे। जी, जैसा अभी आपने कहा कि कंपटीशन में 3-4 लोग हैं, तो आप इस दावेदारी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने लिए? मैं अपने कार्यों को और अपनी पार्टी की निष्ठा को देखते हुए मैं किसी को चुनौती नहीं मानता हूं, लेकिन आवेदन सभी ने किए हैं और मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। बकाया राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय जो होगा उस निर्णय को हम सभी लोग मानेंगे। जी, जो अभी मौजूदा चेयरमैन है उनकी कार्यशैली कैसी है? उनकी कार्यशैली नगर के एक एक बच्चा जानता है। आज इस नगर का हर आम आदमी, हर गरीब आदमी, रईस आदमी, हर आदमी उनके कार्यशैली से परेशान हो चुका है। 5 वर्ष में सुमेरपुर 25 वर्ष पीछे जा चुका है। जो सुमेरपुर के अंदर यहाँ पर नगर पंचायत के लिए धन आवंटित होके आता है वही पूरा नहीं लगाया गया। कई मरतबे यहाँ पर आया हुआ फंड सरकार को वापस चला गया है। आज भी 29 से 30 करोड़ रुपया नगर पंचायत में डंप पड़ा हुआ है। विकास कार्य के नाम पर नगर में कुछ नहीं हो रहा, सिफर पर खड़ा हुआ है नगर। जी। कुलदीप जी, आज की राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए कैसे विकास की गाथा आप लिखेंगे? मेरा स्वप्न है कि इस नगर को ऐसा शानदार नगर बनाऊं कि आने वाला वक्त लोगों को यह एहसास कराए कि नगर में विकास किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है। सुमेरपुर को आप कैसे देखते हैं, विकास की नजर से उसको कैसे देखना चाहेंगे आगे? देखिए, सुमेरपुर इस जनपद का ही नहीं प्रदेश का मुख्य रूप से एक औद्योगिक नगर भी है। यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां बहुत सी लगी हुई हैं। हिंदुस्तान लीवर है, रिमझिम है और अभी यहाँ पर एक सीमेंट का भी बहुत बड़ा प्लांट लगा है। और यहाँ पर जो यहाँ नगर की आबादी है उससे ज्यादा आबादी यहाँ पर किराए के रहने वाले लोगों की है। नगर पर रहने वाले मुख्य रूप से मेरे ख्याल से 1 लाख लोग हैं, लेकिन नगर पंचायत का वोटर आज 42 हज़ार है। और 42 हज़ार का वोटर होने के बाद भी, इतना बड़ा कस्बा होने के बाद भी, यहाँ पर नगर पंचायत का एक वाचनालय होना चाहिए, नगर पंचायत की एक जिम होनी चाहिए, नगर पंचायत का एक अनाथ आश्रय होना चाहिए, नगर पंचायत का एक वृद्धा आश्रम होना चाहिए, सर्दियों के लिए रैन बसेरे होने चाहिए, नगर में जो नालियां खरंजे का अभाव है उन पर दुरुस्तीकरण का काम होना चाहिए, नगरों को रोडों के दोनों तरफ पेड़ों को लगा करके नगर को खूबसूरत बनाया जा सकता है, साथ ही प्राकृतिक रूप से भी इससे समृद्ध होगा हमारा नगर। जी, कुलदीप जी, अगर सुमेरपुर की जनता आपको मौका देती है तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे?
युवाओं के लिए मैं एक स्टेडियम का निर्माण मेरी प्राथमिकता होगी, दूसरा मेरा प्रयास होगा कि यहाँ पर एक जिम खुले, अच्छे पार्क हो, और जो यहाँ पर सरकारी विद्यालय चल रहे हैं उन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाए, इस पर मेरा पहला प्रयास। जी, सुमेरपुर पंचायत में 5 ऐसे कौन से बड़े काम होंगे जिनको आप करेंगे? सबसे पहला मेरा काम सुमेरपुर तपभूमि का सौंदर्यीकरण, क्योंकि रोटीराम बाबा जैसे महान तपस्वी की ये तपोभूमि है, और उस तपोभूमि को अगर सौंदर्यीकरण के माध्यम से हम लोग खूबसूरत बनाते हैं तो निश्चित रूप से नगर को एक विशाल पार्क के रूप में तपोभूमि मिलेगा। दूसरा, नगर के अंदर प्रभा आश्रम बनवाना चाहूंगा मैं, नगर में स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहूंगा, साथ ही नगर के अंदर युवाओं के लिए मैं एक जिम की व्यवस्था करना चाहूंगा जिससे युवा पीढ़ी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और स्वस्थ रह सके। जी, कितनी उम्मीद है आपको कि सुमेरपुर जनता आपका साथ देगी? मुझे पूर्ण विश्वास है, इस बार नगर की जनता ने पूर्ण रूप से अपना मन बना रखा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से जितवा करके नगर पंचायत का मुखिया बनाने का काम करेंगे। जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस नगर की जनता से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये नगर मेरा है, मैं इस नगर की मिट्टी में जन्म मैंने पाया है, अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मैं नगर के लिए कुछ कर सकूं तो इस जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया है उस मिट्टी का कुछ ऋण मैं अदा करने में सक्षम हो पाऊंगा, और इस ऋण को चुकाने के लिए आपका आशीर्वाद मेरे लिए सर्वोपरि होगा। उम्मीद करता हूं कि ये नगर की जनता अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करेगी। कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नगर संग्राम में आज मुलाकात हुई कुलदीप शुक्ला से, जो हमीरपुर जिले के सुमेरपुर नगर पंचायत से चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा, जनता जनाधार किसको देगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर कुलदीप शुक्ला का साफ तौर पर कहना है कि अगर जनता मौका देती है तो इस नगर पंचायत की काया पलट कर देंगे। नगर संग्राम में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।